हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक आज इस वीडियो में हम क्लास फोर इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करेंगे इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के लिए कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्टूडेंट्स अगर आप क्लास फोर इंग्लिश ग्रामर का क्लास फोर मैथ्स का क्लास फोर सोशल साइंस या क्लास फोर साइंस का कोई भी चैप्टर समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक पर जरूर आए यहां हमने इन सभी सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर कवर करे हुए हैं सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में चार टाइप के सेंटेंसेस होते हैं कौन कौन से डेक्लेटिव सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस आइए इन चारों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं फर्स्ट वी विल लर्न डेक्लेटिव सेंटेंसेस डेक्लेटिव सेंटेंसेस इट इज अ स्टेटमेंट विच टेल्स समथिंग तो डेक्लेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कुछ बताते हैं वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और दूसरी बात ये है दैट दे एंड विद अ पीरियड यानी वो जो ये सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो फुल स्टॉप से एंड होते हैं उनके एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगता है लेट्स सी एग्जांपल्स रोहित इज है अब ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसमें ये बता रहा है कि रोहित खुश है और इसमें ध्यान दीजिए कि ये एंड हो रहा है पीरियड यानी फुल स्टॉप से नेक्स्ट सेंटेंस द वेदर इज वेरी कोल्ड दिस इज माई कैमरा तो ये सभी सेंटेंसेस हमें कुछ बता रहे हैं ये कह रहा है कि जो वेदर है वो बहुत ठंडा है ये मेरा कैमरा है तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सभी हैं डेक्लेटिव सेंटेंसेस नेक्स्ट इन डेक्लेटिव सेंटेंसेस डेक्लेन ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव अब स्टूडेंट्स इन डेक्लेटिव सेंटेंसेज में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है और नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी हो सकती है तो इसके बेसिस पे डेक्लेटिव सेंटेंसेज कैन बी अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस तो ये अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं सेंटेंसेज विच स्टेट समथिंग पॉजिटिव आर कॉल्ड अफॉर्मेटिव सेंटेंसेज तो वो सेंटेंसेस, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो कुछ पॉजिटिव बात बता रहे हो उन्हें कहा जाता है अफर्मेटिव म्यूजिक रोहित इज प्लेइंग टुडे द रिवर फ्लोस थ्रू द फॉरेस्ट इन तीनों ही सेंटेंसेस में कुछ पॉजिटिव बात पता चल रही है कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की सेंटेंसेस विच स्टेट समथिंग नेगेटिव आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जो कोई नेगेटिव बात बता रहे हो उन्हें कहा जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस और ये नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं दे कैन बी फॉर्म यूजिंग नॉट नॉट वर्ड यूज करके ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं हम यूज कर सकते हैं डू नॉट डज नॉट डिड नॉट आर नॉट वॉज नॉट वर नॉट तो नॉट होना बहुत जरूरी है नेगेटिव सेंटेंसिस कहलाने के, के लिए अब देखिए जो अभी मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसिस दिखाए थे उन्हीं को मैं आई डू नॉट लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक मैंने यहां डू नॉट नॉट लगा दिया है रोहित इज नॉट प्लेन टूडे नॉट लगा दिया तो यह बन गया नेगेटिव सेंटेंस द रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द फॉरेस्ट नॉट यूज करा है तो ये सभी सेंटेंसेस बन गए हैं नेगेटिव सेंटेंसेस नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वो सेंटेंस होते हैं जिनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए एंड सच सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क और ऐसे सेंटेंसेस एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क से लेट्स सी सम एग्जांपल्स। व्हाट आर यू डूइंग अब यहां पे ये जो है एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो और ये एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क से तो ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसी तरह से वेयर डू यू लिव तुम कहां रहते हो हाउ मच डज द टिकट कॉस्ट ये टिकट कितने की है तो ये सभी सेंटेंसेस में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो स्टूडेंट्स अगर आपने नोटिस किया हो जब भी कोई सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है देखिए जैसे ये वॉट वेयर इनको कहते हैं हम डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स इसी तरह से हाउ जब भी कोई सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट होता है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है बाकी और कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं हु हुम What, why, how, which, whose, where, where. ये सभी वर्ड्स कहलाते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स और जब कोई सेंटेंस इनसे स्टार्ट होता होता है तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैन आल्सो बिगिन विद इज एम आर डू डस, डिड हैज, हैव, हैड, विल, मे, कैन, कुड अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन सभी वर्ड से भी स्टार्ट हो सकता है यहां पे देखिए मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं अगर इनसे भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है लेट सी सम एग्जांपल्स डू यू नो देखो यहाँ से डू से स्टार्ट हुआ है ये इसका मतलब है क्या तुम जानते हो एक क्वेश्चन है ये डिड यू प्ले क्या तुम खेले थे डिड कैन आई ज्वाइन यू क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूं तो ये क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये मे आई हेल्प यू क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो याद रखिए या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से स्टार्ट होंगे या इन सभी से ठीक है ना नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर एक्सक्लिमेटरी सेंटेंसेज एक्सक्लिमेटरी सेंटेंस शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो जो exclamatory sentences होते हैं स्टूडेंट्स वो हमारी strong feelings को शो करते हैं एंड हमेशा एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से ये ये देखिए जैसे exclamation mark बना हुआ है ना ये, इसे कहते हैं हैं तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स डन अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा गुस्सा शो कर रहा है हमारी जो एंगल की जो गुस्से की फीलिंग है उसे एक्सप्रेस कर रहा है कि ये तुमने क्या कर दिया ठीक है तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे ये जो सेंटेंस है ये हमारी एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है कि कितना सुंदर दिन है व्हाट इज दिस ये सरप्राइज को अगर हम किसी चीज को के सरप्राइज हो गए हैं तो उसके लिए ये सेंटेंस है व्हाट इज दिस हो वी वन द मैच तो ये सेंटेंस हमारे जॉय को जब हम खुश हो गए हमारी खुशी को एक्सप्रेस करते हुए ये सेंटेंस है तो ये सभी सेंटेंसेस हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं और ये एंड हो रहे हैं एक्सप्लेनेशन मार्क्स से नाउ द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंसेस एन इंपेरेटिव सेंटेंस टेल समू डू समथिंग तो जो सेंटेंसेस किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं उन्हें कहा जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस अब ये कुछ कमांड भी हो सकती है कोई इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है सजेशन भी हो सकता है या कोई रिक्वेस्ट भी हो सकती है जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तो हम उसको कमांड भी दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन सजेशन या रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं एंड इट अ फुल स्टॉप जो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं लेट्स एग्जाम्पल्स कंप्लीट योर होमवर्क बाय टूडे तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है ये कमांड दे रहा है सामने वाले को कि तुम्हें अपना होमवर्क आज खत्म करना है तो ये कमांड है ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ लेट्स आस्क फॉर डायरेक्शन ये एक सजेशन है वो कह रहे हैं कि चलो डायरेक्शन पूछ लेते हैं तो एक सजेशन है ये प्लीज टेल मी द टाइम ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे को टाइम बता दो तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ना स्टूडेंट्स जैसे हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में देखा था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं उसी तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस आल्सो कम इन टू फॉर्म्स अफर्मेटिव एंड नेगेटिव अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं An to do तो ये जो मुझे कॉल करो आज द टीचर अबाउट योर डाउट अपना डाउट टीचर से पूछो तो यहां पर यह एफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेज हैं क्योंकि ये किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं पर अगर हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखें जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए मना कर रहे हैं वो सेंटेंसेस कहलाएंगे नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस तो यही डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है अ नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस टेल टू डू समथिंग फॉर एग्जाम्पल डू नॉट पुट योर प्लेट इन द सिंक अपनी प्लेट सिंक में मत रखो स्टॉप कॉलिंग मी मुझे कॉल मत करो जज एनी वन बाय देर लुक किसी को उसकी लुक से जज मत करो तो इन सभी सेंटेंसेस में हम किसी को कुछ करने के लिए मना कर रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने पहले सेंटेंस में नॉट यूज करा है पर दूसरे सेंटेंस में हमने स्टॉप यूज करा है थर्ड में हमने नेवर यूज करा है तो नॉट के अलावा भी वर्ड होते हैं जैसे कि स्टॉप नेवर जिनसे हम नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं तो अब मैं आपको इधर कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं आपको बताने हैं कि वो सेंटेंस कौन सा टाइप का है पहला सेंटेंस हाउ वेल शी सिंग्स अब देखिए यहाँ पे किसी की तारीफ हो रही है और ये एड एंड हो रहा है एक्सक्लिमिनेशन मार्क से और ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं यस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नेक्स्ट व्हाट इज योर नेम यहां पे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और ये एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क से तो ऐसे सेंटेंसेस होंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट शी इज अ सक्सेसफुल राइटर अब यहाँ पे सिर्फ एक प्लेन इंफॉर्मेशन दी जा, जा रही है कोई बात बताई जा रही है ठीक है कि वो एक सक्सेसफुल राइटर है तो ऐसे सेंटेंसेस को मैंने बताया था कहते हैं डेक्लेटिव सेंटेंस ब्रिंग मी दैट फाइल अब यहां पे हम सामने वाले को कुछ करने के लिए, के लिए कह रहे हैं एक तरीके से हम कमांड दे रहे हैं कि वो फाइल लेके आओ मेरे पास तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस माई मदर मेक्स डिलीशियस cookies. अब यहां पे कह रहे हैं कि मेरी जो मदर है वो बहुत डिलीशियस कुकीज बनाती है एक ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम बता रहे हैं कोई बात तो ये है डेक्लेटिव सेंटेंस नेक्स्ट गेट लॉस्ट अब यहां पे हम किसी को जाने के लिए कह रहे हैं हम गुस्से में हैं, हम कह रहे हैं गेट लॉस्ट तो एक तरीके से हम कमांड दे रहे हैं तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस नेक्स्ट हाउ ब्यूटिफुल शी इज अब देखिए ये सेंटेंस एंड हो रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क से तो ये क्या है ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आई हैव टू सिस्टर्स अब यहां पे हम किसी को कोई बात बता रहे हैं कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस हाउ रेडिकल दिस इज अब यहां पे भी ये सेंटेंस एंड हो रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क से और यहां पे हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये क्या है ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आई हैव लॉस्ट माई वे मैं अपना रास्ता भूल गया हूं मैं खो गया हूं तो यहां पे हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये है डेक्लेटिव सेंटेंस